Evening friends, good evening everybody. आज ट्रेनिंग सेशन में आया हूँ. न्यू अपडेट पर्सन 11.2 पर्सन जो है उसमें न्यू मेनू अरेंजमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे. जैसा चेंजेस किया गया है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कैसे कैसे जो ओल्ड पर्सन में न्यू इंटरेक्टिव मेनू किया गया है, यूजर फ्रेंडली किया गया है, सो दैट कि कस्टमर इजिली एक्सेस कर रहे हैं. और कैटेगराइज मेनू हम लोगों ने डिफाइन किया है. तो जैसे अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेनूज में यहाँ चेंजेस है. पहले इनवॉइस में ये सारा सेल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, इनवॉइस, सेल चलान, सेल ऑर्डर, कोटेशन, सैंपल चलान, लॉरी एंट्री, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई है. उसी तरह से सेम एज परचेज मेनू में जाएंगे तो परचेज से रिलेटेड हमारी सारी चीजें जो है इंक्लूड कर ली गई है. जैसे परचेज इनवॉइस, परचेज चालान, स्कीम सर्कुलर, परचेज ऑर्डर, बारकोड प्रिंट होता है जो परचेज से, वो सारा चीज इसमें इंक्लूड कर लिया गया है. इसी तरह से सेटलमेंट मेनू है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट. मास्टर मेनूज है, मास्टर मेनूज में चेंज किया गया प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा फीचर्स जो है वो सारा इंक्लूड एक साथ हो गया है. प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंट्री, प्रोडक्ट स्टॉक एंट्री, प्रोडक्ट ब्राउजर सेटिंग, बैच ब्राउजर सेटिंग. इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो अकाउंट मास्टर में अकाउंट मास्टर, अकाउंट मास्टर ग्रुप, टेरिटरी हायरार्की, अकाउंट ब्राउजर सेटिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड. ये इंक्लूड हो गई है. उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये सारा मेनू है. अकाउंट्स में अभी चेंज हो गया है. हम लोग मनी रिसिप्ट, मनी रिसिप्ट बिल वाइज जो कलेक्शन था पहले हमारा, अभी यहाँ मनी रिसिप्ट बिल वाइज आ गया. इशू ऑफ मनी रिसिप्ट, पेमेंट वाउचर, जर्नल और कॉन्ट्रा, मंथली वाउचर, जनरेट ईएमआई, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी मेनूज थे वो सब अकाउंट्स में आ गया. जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन एंट्री, इंटरेस्ट रेट, बैंक चेक, वाउचर क्लियर डेट, ये सारी चीजें मेनू आ गई. अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा मेनू कहाँ गया है तो हम लोग हेल्प मेनू में यहाँ पे अरेंज करके देख सकते हैं. यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक ब्राउजर खुल जाएगा जिसमें वो शो करेगा. देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखेगा ये कि कैसा मेनू, ओल्ड मेनू कहाँ पे था, न्यू मेनू कहाँ पे था, ये सारा चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गई है. इसमें आप देख सकते हैं कहाँ ओल्ड वर्जन में मेनू कहाँ पे था, जो न्यू वर्जन में कहाँ पे आपका चला गया. तो इसके अकॉर्डिंगली ये फाइल आप जहाँ भी क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये आपको यहाँ से वो शो करेगा. इसी तरह से अगर हम लोग सिमिलर यहाँ पे देखेंगे तो F6 मेनू में जाएंगे तो F6 मेनू में जाने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखिए यूज किया गया F6 जो पुराना मेनू था उसको अगर हम लोग कंट्रोल 1 के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं. Shift F7 जो था उसको हम लोग कंट्रोल 2 के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं. F7 जो मेनू था डिस्ट्रीब्यूशन और टेरिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग कंट्रोल F3 के भी यूज कर सकते हैं. और जीएसटी सर्विसेज मेनू जो है वो कंट्रोल F4 के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं. आप यहाँ से इसका शॉर्टकट लिंक भी मिल रहा है आपको और साथ में मेनू में भी ये सब चीजें आपको मिलेंगी. सेम एज जब मेनू में हम लोग जाएंगे इन्वेंट्री के मेनू में जब हम जा रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखेंगी कैसे कैसे अभी इन्वेंट जो पहले हमारा रिपोर्ट मेनू था अब ये इन्वेंट्री मेनू में कन्वर्ट हो गया. अभी इन्वेंट्री में इस तरह से हमारे पास सारा ऑप्शन आ जाएगा. इन्वेंट्री में डेली बिल, सेल, सेल ऑर्डर, सेल चलान, सेल्स आउटस्टैंडिंग, ये सारे जो है सेल से रिलेटेड एक साथ आ गए. कोटेशन है, उसके बाद परचेज है, परचेज ऑर्डर है, परचेज चलान है, परचेज आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, रिप्लेसमेंट मेनू, प्राइस लिस्ट है, ये इस तरह से अरेंज किए गए हैं सेल्स से रिलेटेड. स्टॉक से रिलेटेड अलग से मेनू एक कंप्लीट कर दिया गया. इसमें हम लोग देख सकते हैं सारे स्टॉक से रिलेटेड जो मेनूज हैं वो सारे इंक्लूड कर दिए गए. जैसे बैच वाइज, स्टॉक इवोल्यूशन, रैक वाइज या सेल्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट है,
अब इसमें आप रिपोर्ट मेनू में दो तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑल, और साथ में ऑल है, साथ में ये क्रिस्टल का ये एक आइकन शो कर रहा है. इट इज इंडिकेटिंग दैट ये विंडो जो रिपोर्ट है ये विंडोज बेस्ड रिपोर्ट है. इसमें रिपोर्ट क्रिस्टल वाइज रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे वो शो करेगा. तो जिस तरह का ये इंडिकेशन जहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये शो करेगा कि ये विंडोज वाला रिपोर्ट है, और ये नॉर्मल ग्रिड वाला रिपोर्ट जो हम लोग देखते हैं वो चीज आपका वहां पे वो शो करेगा. इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो एनालिसिस है, एनालिसिस का किया गया है, लिस्टिंग है, अकाउंट्स में जब देखेंगे तो अकाउंट्स बुक्स है, कैश बुक है, डे बुक है, इसमें भी आप देखेंगे कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर सब एक जगह कर दिया गया है, परचेज से रिलेटेड सारे रजिस्टर्स जो है कुछ रिपोर्ट. अब यहाँ पे भी अगर आप चाहेंगे देखना डिटेल्स में तो ये हेल्प मेनू अरेंजमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो शो करेगा. ये यहाँ पे आपको शो करेगा कि किस टाइप से ओल्ड मेनू कैसे है, न्यू मेनू कैसे है. ये F6 का रिपोर्ट के लिए, मेनू यहाँ पे शो कर रहा है आपको, जैसे DWM रिपोर्ट पहले कहाँ चला गया, अभी यहाँ पे कहाँ है, ये शो करेगा आपको. उसी तरह से जब देखेंगे यहाँ सेल्स एंड इनवॉइस का हेडक्वार्टर है, वो अभी न्यू प्लेसमेंट उसका कहाँ हो गया, तो इन्वेंटरी रिपोर्ट में ही चला गया है हमारे पास, यहाँ से वो आपका यूज किया जा सकता है. तो इस तरह से सारा लिस्ट है, डिटेल है, आप एक हेल्प मेनू में जब क्लिक करेंगे तो ये सारा चीज आपको वहां से शो करेगा कि कितना यहाँ पे मेनू यूज हो रहा है. ये चीज आप देख सकते हैं, इसी तरह से सारा मेनू उसका टोटल लिस्टिंग है. तो ये कस्टमर को इजी करने के लिए दिया गया है. साथ में आप भी अगर आप चाहें तो ये PDF फाइल है, इसको आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं, कभी भी रेफरेंस के लिए यूज किया जा सकता है, वो आपको शो करेगा यहाँ पे. इसी तरह से अगर हम इसको देखना चाहेंगे Shift F7 में, जो हमारा टूल बार मेनू था जो हिडन आपको था यहाँ पे एक बटन पे था, वो मेनू अभी ऑलरेडी है, लेकिन साथ में हम लोग अभी यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया डायरेक्टली, कोई भी रिपोर्ट जैसे आप ओपन करते हैं उसके साथ आप इसको चाहें तो यहाँ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. यूजर फ्रेंडली अभी आपको कर दिया गया यहाँ पे, चाहे तो इसको आप एक्सपोर्ट करें या एनी अदर फॉर्मेट में, एक्सेल में या एनी अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें हम लोग तो वो सारी चीजें वहां पे इंक्लूड कर ली गई है. एक्सपोर्ट टू एक्सेल अगर हम लोग कर देते हैं तो ये कर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेनूज के लिए यहाँ पे यूज किया गया. उसी तरह से अकाउंट्स में जाएंगे तो अकाउंट लेजर में अगर आप जाएंगे तो एज वाइज आउटस्टैंडिंग है, इंडिविजुअल लेजर जो हमारा पहले था वो अभी सिंगल लेजर के रूप में यहाँ पे है, सिंगल लेजर मंथली है, लेजर में प्रोडक्ट डिटेल है, ग्रुप लेजर है, ग्रुप लेजर मंथली है. उसी तरह से अगर विंडोज वाइज लेजर जो हम लोग देख रहे हैं वो विंडोज वाला लेजर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है. लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक आइकॉन आ रहा है क्रिस्टल का, दैट मीन्स ये हमारा क्रिस्टल बेस्ड रिपोर्ट है, विंडोज बेस्ड रिपोर्ट है. इस तरह से अगर आप फाइल एंड अकाउंट्स में जाएंगे तो प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट है, अकाउंट स्पेशल के बहुत सारे मेनू जो हमारे पहले Shift F7 में थे वो सारे मेन मेनू में आ गए हैं, अकाउंट से रिलेटेड रिपोर्ट में इंक्लूड कर ली गई हैं, जैसे परचेज रजिस्टर अकाउंट है, परचेज रजिस्टर सप्लायर है, ऐसे रजिस्टर पार्टी डिटेल है, शॉर्टेज सरप्लस रजिस्टर्स है, ये सारी चीजें जो है वो पहले हमारे Shift F7 मेनू में इंक्लूड थी, अभी आपको यहाँ पे आपको अकाउंट्स में एक साथ इंक्लूड कर दिया गया. जैसे कि हम लोग कभी भी एक साथ कोई भी आदमी अकाउंट्स का यूज करना चाहे रिपोर्ट्स को तो वो दो जगह तीन जगह उसको जाने की जरूरत नहीं पड़े, वो यहाँ से वो यूज कर सकता है. तो इसलिए ये यूजर फ्रेंडली और मोर इंटरेक्टिव किया गया, जितना ऑप्शन है वो सारा चीज आपको यहाँ पे एक साथ सिमिलरली शो कर रहा है. बैंकिंग से रिलेटेड जैसे बैंक कॉपी रिपोर्ट है, बैंक रिकॉन्सिलेशन है, चेक रिकॉन्सिलेशन है,
बैंक चले चेक क्लियर डेट है, तो ये सारी चीजें जो है अभी एक साथ बैंकिंग मेनूज में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सो दैट कि आप यूज करने में आसान होगा, यूजर को भी यूज करने में आसान होगा। इसी तरह से अगर हम लोग फिर से देखना चाहें, हम लोग चले जाएं तो जो अभी नया अभी हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल टू यूज भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F7 भी आप यूज कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ एक नया शॉर्टकट दिया गया यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखेंगे कि सेल्समैन से रिलेटेड सारे मेनूज को एक साथ कर दिया गया है, गोडाउन से रिलेटेड सारे ऑप्शंस एक साथ कर दिए गए, ब्रांड वाइज जिसको हम लोग लेवल वाइज बोल रहे हैं मल्टी लेवल पे जो हम लोग यूज करते हैं वो एक साथ कर दिए गए सारे रिपोर्ट्स को, मल्टी ब्रांच और कंपनी वाइज रिपोर्ट अगर हम लोग देखें तो वो सारे एक साथ अरेंज कर दिए गए हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी रिपोर्ट है लॉयल्टी कार्ड लिस्ट या लॉयल्टी टाइप वाइज रिपोर्ट है या पार्टी वाइज रिपोर्ट है वो एक साथ कर दिए गए, मल्टी ईयर रिपोर्टिंग जो है वो एक साथ कर दिया गया, हेडक्वार्टर वाइज पार्टी कंपैरिजन या आप देखेंगे और जितने भी रिपोर्ट है हेडक्वार्टर वाइज वो सारे रिपोर्ट यहाँ पे अरेंज कर दिए, कंपैरेटिव एनालिसिस में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अरेंज करके ये सारा चीज आ रहा है आपके, कंपनी वाइज ऑल SOPC, पार्टी वाइज हेडक्वार्टर समरी ऑल SOPC रिपोर्ट्स, मिसलेनियस रिपोर्ट्स में स्कीम सर्कुलर का रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट्स, एडिशनल रिपोर्ट्स जो हम लोग के पास है वो है, ई कॉमर्स से रिलेटेड रिपोर्ट जो है वो सारा हमारा यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, सेल्समैन से रिलेटेड अभी अरेंज कर दिया गया ताकि कोई भी अगर आप यूजर जो है जो सेल्समैन से रिलेटेड यूज करता है तो उसको और दूसरी जगह यूज जाने की जरूरत नहीं पड़े, वो सारा रिपोर्ट जो है वो सेल्समैन वाइज वो एक साथ ही यहाँ पे देख सकता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखना चाहें आपके जो अभी कंट्रोल 3 के थ्रू भी इंक्लूड हो रहा है इसको थ्रू आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, टेरिटरी वाइज या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे सारा चीज यूज कर सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे वो शो कर रहा है आपको टेरिटरी एनालिसिस, पासवर्ड एनालिसिस, कंट्रीब्यूशन एनालिसिस या और भी जितने भी रिपोर्ट है, प्रॉफिट एनालिसिस हेडक्वार्टर वाइज, दो तरीके के रिपोर्ट इसमें इंक्लूडेड है, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस या कंपनीज टेरिटरी वाइज काम करते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट जो है उनका है, और एक जो है जो मैनेजमेंट वाइज जिसमें जिसमें हम लोग MSRA, SM, RSM वाइज जो रिपोर्ट देखते हैं वो सारे रिपोर्ट मैनेजमेंट कंपेटिटिव रिपोर्ट्स में इंक्लूड कर ली गई है यहाँ से, तो ये सारे रिपोर्ट्स आपको इजीली एक्सेस हो, इजीली विजिबल हो, और किसी कस्टमर को अगर चाहे तो वो एक तरीके का सारा रिपोर्ट एक बार में ही वो देख सके, इसके लिए ये अरेंज किया गया। अगेन आपको यहाँ पे देखेंगे हेल्प मेनू अरेंजमेंट, यहाँ पे एक बटन है जिसके थ्रू आप वो PDF फाइल में देख सकते हैं कि ओल्ड मेनू जो कहाँ पे था और अभी नया मेनू कहाँ पे चला गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे F7 का मेनूज जो कहाँ पे कहाँ चला गया, तो ये आप PDF फाइल फॉर्मेट में है अगर आप चाहें तो, या कस्टमर चाहे तो अपना डाउनलोड करके भी रख सकता है, या एनी टाइम कभी भी क्लिक करके देखना चाहें तो इजीली एक्सेसिबल है कि ओल्ड साइट में ओल्ड मेनू पहले कहाँ पे था जो अभी आपको कहाँ पे मिलेगा, कुछ एंट्री सेक्शन के जो मेनूज थे जो F7 में पहले थे वो अभी एड कर लिए गए हैं मेन मेन्यू में ही जहां से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये सारे रिपोर्ट्स हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट कहां पे चले गए, ये सारा रिपोर्ट जैसे दिखा रहा है यहां पे ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ये सारे रिपोर्ट्स जो हैं वो कहां पे चले गए, ये आपको यहां से गाइड मिल सकता है इजीली, या आप अपने कस्टमर्स को या आप अपने क्लाइंट को या जो आपसे सर्विस मांग रहा है या आप सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इजीली उनको पूछ सकते हैं कि वो उस मेनू पे क्लिक कर दें और वहां से वो उनका सारा रिपोर्ट्स शो करेगा। GST मेनू भी चेंजेस हुआ है, यहाँ से अगर हम लोग जा सकते हैं यहाँ पे GST से रिलेटेड मेनू जो है हमारा GST में क्लिक करेंगे यहाँ से GST के डिपार्टमेंटल फॉर्म्स जितने भी है हमारा GSTR1, GSTR2, GSTR3, 3B में ये सारे इंक्लूड है, GSTR4, GSTR9 है, GSTR1 में भी अगर हम लोग देखेंगे तो GSTR रिपोर्ट करके है जिसमें ऑफलाइन यूटिलिटी का जो हम लोग जनरेट करते हैं जनरेट एक्सेल फाइल ये है,
उसके अलावा सेटिंग्स बोल के अलग है, जीएसटी पैरामीटर्स जो इसमें आप लोग प्रोग्राम जब स्टार्ट कराते हैं तो वेरियस टैक्स जो बनाने की जरूरत पड़ती है, टैक्स स्ट्रक्चर जो बनाने की जरूरत पड़ती है, जैसे जीएसटी आर वन हो गया, जीएसटी आर टू हो गया, जीएसटी आर थ्री हो गया, ये सारे मेनूज में आ गया। जीएसटी रिपोर्ट सेटिंग्स जो पहले जो सेटिंग्स था हमारा उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जीएसटी पैरामीटर के थ्रू। उसी तरह से जीएसटी आर वन रिपोर्ट है, जीएसटी आर थ्री है, तो जीएसटी आर थ्री भी अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। जीएसटी आर वन अगर हम लोग निकालना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, जनरेट एक्सेल ऑफलाइन यहाँ से जनरेट करके। ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जीएसटी में, और भी नेक्स्ट सेशन में हम आपको डिस्कस करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट्स में बहुत सारे चेंजेस हैं, मोस्ट फास्ट और एक्यूरेट करने के लिए और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, साथ में जेएसएन भी कैसे जनरेट करते हैं ये हम आपको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये जीएसटी से रिलेटेड इसे तो एवरीवन अभी हम लोगों ने आज डिस्कस किया यहाँ पे मेनू से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हुए हैं वो आपको यहाँ से दिख सकते हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटीज मेनू में भी चेंजेस हुए हैं, जो मेजर हम लोग देखेंगे यूजर अकाउंट्स हैं, एड ऑन फीचर्स जो भी हमारा है यूटिलिटी में, क्विक एक्सेस सेटिंग, मेल सेटिंग या एसएमएस सेटिंग या क्लाउड सेटिंग है, ये सारे इस अलग से एक एड ऑन सेटिंग्स मेनू है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। इसी तरह से बैकअप रीस्टोर एक साथ हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बैकअप बैकअप रीस्टोर डेटवाइज। डाटा मेंटेनेंस मैनेजर है, इसमें रिपेयर डाटाबेस, रीअरेंज डाटाबेस, इनवॉइस रीअरेंज, ये सारे फीचर्स हम लोग यहाँ पे एक साथ यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज के सेशन में। कल हम लोग डेटा मेंटेनेंस से रिलेटेड जो न्यू चेंजेस है इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे न्यू फीचर्स और न्यू यूटिलिटी के साथ ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गिव अस योर फीडबैक फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।